छोटी से छोटी गैराज से लेकर के बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री तक, अगर कोई ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो इन सब में कॉमन हो तो वो है प्रेशर गेज। दोस्तों प्रेशर गेज यानी कि प्रेशर मेज़र करने का सबसे सस्ता, सिंपल, मजबूत और टिकाऊ तरीका। तो दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में इसी प्रेशर गेज के वर्किंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों प्रेशर गेज का जो मेन पार्ट होता है वो होता है उसका बर्दन ट्यूब। अब ये बर्दन ट्यूब प्रेशर मेज़र करने के लिए किस तरह से अपना रोल अदा करती है उसको समझने के लिए हुक्स लो के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं। हुक्स लो क्या कहता है कि जब हम स्प्रिंग के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स के चलते स्प्रिंग थोड़ी सी इलोंगेट होगी, यानी कि थोड़ी सी खिंच जाएगी। और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा इलोंगेट होगी। और यहाँ पे जो स्प्रिंग का इलोंगेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उसके। हुक्स लॉ बस इतना ही कहता है। तो यहाँ पे इसी लॉ को साक्षी मानकर अगर हम पहले ये देख ले कि कितना फोर्स अप्लाई करने पर कितनी स्प्रिंग इलोंगेट हो रही थी, उसके बाद जब हम कोई ऐसा फोर्स अप्लाई करें जो हमें नहीं पता है वो कितना है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कितना फोर्स अप्लाई करने पर कितनी स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है, तो यहाँ पे उस इलोंगेशन को रेफरेंस में लेकर के हमें ये पता चल सकता है कि ये फोर्स कितना है। क्यों पता चल सकता है? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग की मदद से एनर्जी के एक फॉर्म का एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। मान लो यहाँ पे कोई कन्वर्जन होता ही नहीं तो, यानी कि फोर्स अप्लाई करने पर स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन ही नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये फोर्स कितना था। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेशर गेज में जो बर्दन ट्यूब है वो भी प्रेशर की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब देखना ये है कि कैसे करती है। तो देखो यहाँ पे जो बर्दन ट्यूब का शेप है वो सी शेप में है जो कि देखने से पता चलता है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे ओवल शेप में है, सर्कुलर शेप में नहीं है, जिसके चलते क्या होगा कि जब कोई प्रेशराइज लिक्विड या फिर कोई प्रेशराइज गैस इस बर्दन ट्यूब में एंटर करेगी तो वो अपनी प्रेशर की एनर्जी की मदद से बर्दन ट्यूब के ओवल शेप को सर्कुलर शेप में लाना चाहेगी, और इसी के कारण बर्दन ट्यूब सीधी होने की कोशिश करेगी और यहाँ पे हमें मिल जाएगा एनर्जी का दूसरा फॉर्म। अब इस दूसरे फॉर्म को एक्चुअल प्रेशर रीडिंग के रूप में दिखाने के लिए सेगमेंटल लीवर और सेक्टर गियर का यूज़ किया जाएगा। दरअसल ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, या फिर यूँ कह लो कि ये दोनों एक ही पार्ट है जिसकी दो अलग अलग साइड्स है, और इस पार्ट का जो पाइवट पॉइंट है वो रहता है इस जगह पे। अब यहाँ पे जो सेगमेंटल लीवर वाली साइड्स है वो बर्दन ट्यूब के साथ एक लिंक के जरिए कनेक्टेड रहते हैं, और जो सेक्टर गियर वाली साइड्स है वो इस पिनियन के साथ कांटेक्ट में रहती है। इसका मतलब बर्दन ट्यूब के मूव करने पर ये पूरा गियर मैकेनिज्म कुछ इस तरह से वर्क करेगा और इस पिनियन को रोटेट कराएगा, और इस पिनियन के ऊपर ही माउंटेड रहेगा ये पॉइंटर जो इस स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट करेगा, और जो स्केल है वो प्रेशर यूनिट के फॉर्म में रहेगा, और इस तरह से हमें एक्चुअल प्रेशर रीडिंग पता चलेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रेशर गेज काम करता है। दोस्तों प्रेशर गेज के काम करने का तरीका तो हमने समझ लिया, लेकिन इससे भी ज़्यादा काम की चीज़ है इसका कैलिब्रेशन, कि जब ये प्रेशर गेज कोई गलत रीडिंग दिखाने लग जाता है तब हम कैसे उसको कैलिब्रेट करके उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसी प्रेशर गेज के कैलिब्रेशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।